नमस्कार साथियों, वेरी वार्म वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ जोक्ट एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एस्पिरेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड न्यू इनिशिएटिव, न्यू सीरीज ऑन यूट्यूब अंडर विच वी आर कवरिंग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 23-24। सो इन दिस सीरीज वी आर कवरिंग ईच चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे इन अ सेपरेट वीडियो। So, in the continuation of same, today I, Manoj Sharma, welcome you all to the new chapter of Economic Survey, that is chapter number 15 of Economic Survey. Chapter number 15, Social Welfare. मैं आप सभी को chapter 15, 16 और 17, Social Welfare, Rural Development और आपका Urban Development से related chapter में deal करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज चैप्टर, चैप्टर ऑन सोशल वेलफेयर। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट यू ऑल टू एम्पेथाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है जी, तो प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हर बार ऐसा कोई एग्जाम, चाहे आपका एलाइट का है, चाहे फिर हमारा रेगुलरली एचएएस का एग्ज़ाम है, तो हर साल इस चैप्टर से हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, बिकॉज इन मेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर डिफरेंट सेक्शन ऑफ डिफरेंट GS 1, 2, 3 पेपर, और फिर आप यूं कहो कि ऐसे का जो पेपर है उसमें भी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से काफ़ी हमारे लिए मददगार साबित होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक टॉपिक की बात कराऊं, मेंस के टॉपिक जैसे सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस में हमारे लिए इस चैप्टर से बहुत सारे फोल्डर मटेरियल मिलते हैं। इसी चैप्टर में नहीं, अलग अलग जो हमारे जीएस के सिलेबस के टॉपिक्स है उसमें हमें यहाँ से हेल्प मिलती है। तो इस चीज़ को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये चैप्टर हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कैसे हम इस चैप्टर को यूज कर सकते हैं मेंस के अलग अलग सेक्शन में विद द लेटेस्ट एंड क्रेडिबल डाटा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल। ओके, सो मेंस वाली बात हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, पहले प्रीलिम्स वाली चीज़ें देख लेते हैं। आई होप आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आर चैप्टर, दैट इज सोशल वेलफेयर। एज द नेम सजेस्ट, सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर कैसे हो रहा है, सामाजिक कल्याण कैसे कर रही है, कौन, जिसका हम डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, किसका, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार कैसे वेलफेयर कर रही है लोगों का, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और गवर्नमेंट कैसे वेलफेयर करती है, तो गवर्नमेंट फॉर्मेट करती है पॉलिसीज, स्कीम्स। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ स्कीम्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, स्कीम्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल चैप्टर होने वाला है, क्योंकि स्कीम्स में आपको कोई भी स्कीमें क्या रखना है याद, सबसे पहले तो एम क्या है उस स्कीम का, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड उस स्कीम के की फीचर्स। अब जो की फीचर्स है ये थोड़े से फैक्चुअल होते हैं, तो ये हमें याद रखने ही पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वी हैव नो अदर चॉइस। एंड लास्ट आपको ध्यान रखना है कि विच इज़ दी नोडल मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री किसी पर्टिकुलर स्कीम को लागू कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, चैप्टर ऑन सोशल वेलफेयर। ओके, सबसे पहले गवर्नमेंट वेलफेयर। वैसे तो
लगभग लगभग सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का गवर्नमेंट वेलफेयर करती है, बट पर्टिकुलरली दोज सेक्शन हु आर एट मोर नीड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वेलफेयर काम करती है। ठीक है जी, तो ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जिन सेक्शन को ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे सेक्शन जिनको हम वल्नरेबल सेक्शन कहते हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहते हैं, समाज का जो दबा हुआ तबका है, फॉर एग्जांपल एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है जी, ये सारे सेक्शन, चाइल्ड, ठीक है जी, वोमेन। अब वोमेन में अलग अलग आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्टेड वोमेन, यानी ऐसी महिला जिसको कि छोड़कर उसका परिवार चला गया है, फिर डेस्टिट्यूट महिला यानी एकल नारी, ठीक है जी, जिसका कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है, फिर विडो, विडो हमारी विधवा महिला है, या फिर ऐसी महिला चाहे फिर बच्चे भी हो सकता है जो कि किसी ना किसी टाइप की आपकी ऐसे समझो डिस्क्रिमिनेशन फेस करी है, या फिर कुछ एक्यूजेशन अलग अलग टाइप की उन्होंने फेस करी है, प्रताड़ना फेस करी है, जिससे कि सरकार को उनको कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है, ठीक है जी, या फिर आप कहो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनको हम स्पेशली एबल्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है जी, या फिर फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर है, ओके, तो इन सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड स्कीम आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। अब फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग, गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड सोशल वेलफेयर अंडर इकोनॉमिक सर्वे अंडर थ्री हेड। एक अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले एजुकेशन, यानी सरकार के द्वारा ऐसी स्कीम्स जो कि अलग अलग सेक्शन के लिए एजुकेशन के डिपार्टमेंट में या फील्ड में चलाई गई है। सेकंड आपका हेल्थ, हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित, और थर्ड आपका अदर। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ जो अदर है, ये अदर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनके बारे में देखने जा रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन और हेल्थ है ये भी सोशल सेक्टर का पार्ट माना जाता है। तो ये आपने पिछले चैप्टर 13 और 14 आपको देशदीपक सर और अभिनव सर ने करा दिए हैं। तो हम आज देखने वाले हैं स्कीम्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल इन दिस अदर क्राइटेरिया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्कीम इज पेंशन सिक्योरिटी स्कीम। पेंशन स्कीम के बारे में बात करी गई है। अच्छा, एक और चीज़ स्टार्ट होने से पहले, कि अगर आप जो लोग पिछले साल से इसको फॉलो करते आ रहे हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि 90-95% ऑफ दी स्कीम्स आर सेम स्कीम जो पिछले बार की इकोनॉमिक सर्वे में भी थी, उससे पहले में भी थी। सिर्फ होता क्या है कि थोड़ा सा अपडेशन हो जाता है उसमें डाटा में, जहाँ पे पहले 1500 मिल रहे थे वहाँ पे 1700 मिलेंगे, जहाँ पे पहले एनुअल इनकम क्राइटेरिया 35,000 था, अब वहाँ पे 50,000 करा गया है। तो फर्स्ट स्कीम इज ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वृद्धा अवस्था में पेंशन स्कीम दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो किस किस को दी जाएगी? हर एक व्यक्ति जो कि 60 ईयर्स से अबव है, उसको ओल्ड एज पेंशन दी जाएगी। अब जैसे इसमें हर एक व्यक्ति, पहले एक इनकम क्राइटेरिया होता था, उसको पहली बार पिछले साल ही इसको हटा दिया था, यानी ई रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, चाहे इनकम जैसी मर्जी भी है, हर एक 60 साल से ऊपर व्यक्ति को पेंशन मिलेगी। बट इसकी एक्सेप्शन भी है, किन लोगों को ये पेंशन नहीं मिलेगी? ऐसे इफ़ अ पर्सन और हिज स्पाउस इज नॉट अ टैक्स पेयर, अगर आदमी खुद या फिर उसका स्पाउस जो पार्टनर है, अगर दो में से कोई एक टैक्स पेयर है, तो उसको ये सैलरी नहीं मिलेगी। या फिर कब नहीं मिलेगी? अगर उसको कोई और गवर्नमेंट पेंशन मिल रही है तो भी उसको नहीं मिलेगी। यानी अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं,
या फिर आपको कोई और गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं स्कीम, कोई और गवर्नमेंट आपकी पेंशन नहीं मिल रही है, तो आपको ये ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलेगी। अगर ये दो केस नहीं है तो आपको चाहे इनकम जैसी मर्जी भी हो फिर आपको ये मिलने वाली है। अब इसके अंडर थोड़ा सा तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले अगर 60 से 69 ईयर्स तक है तो आपको 1000 मिलेगी, अगर 70 ईयर्स और उससे एबव है एज तो 1700 मिलेगी, ठीक है। तीसरा एलिमेंट इसी के अंडर बनाया गया है एक वुमेन के लिए, ऐसी वुमेन जो कि 65 से 69 ईयर्स ओल्ड एज में फॉल करती है, उनके लिए एक अलग से स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना चलाई गई है, जिसके तहत उन महिलाओं को 1150 आरएस पेंशन दी जाएगी ओल्ड एज स्कीम के अंडर। ओके, सेकंड स्कीम इज स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस। जो स्पेशल एबल्ड पर्सन होते हैं, यानी फिजिकल जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको भी पेंशन दी जाएगी। अब कितनी पेंशन दी जाएगी तो उनके डिसेबिलिटी के ऊपर फिक्स किया गया है। मान लो आप सब जानते हैं कि डिसेबिलिटी होती है कि अगर 40% से लेकर 69% तक डिसेबिलिटी है तो उनको 1150 दिए जाएंगे, अगर 70% से ऊपर डिसेबिलिटी है तो उनको 1700 दिए जाएंगे, ठीक है जी। अगली है विडो डेजर्टेड, विडो महिला या विधवा महिला, या फिर डेजर्टेड आपको ऐसी महिला जिसको कि छोड़ दिया गया है परिवार वालों के द्वारा, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो इनको एकल नारी भी कहा जाता है, तो इनके लिए एकल नारी पेंशन शुरू करी गई है। इसमें भी फिर आपको डिवाइड किया गया है, जैसे ऐसी महिलाएं जो कि 45 to 69 ईयर्स ओल्ड की है उनको 1150 दिया जाएगा, 70 एंड एबव से जो महिलाएं हैं उनको 1700 दिया जाएगा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न एनालाइज करने को मिलेगा। ये जो अमाउंट है ना, साथ में आप अभी सोच रहे होगे कि ये अमाउंट याद कैसे रखना है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इसमें भी एक पैटर्न देखने को मिलेगा जब सारे की सारी स्कीम्स हो जाएगी, और फिर आप इसको फिर बाद में बेटर तरीके से कोरिलेट एक दूसरे के साथ कर सकते हो। अगला है रीहैब अलाउंस फॉर लेपर्स। लेपर्स यानी ऐसे व्यक्ति जिनको कि लेप्रोसी की बीमारी हो गई थी, लेप्रोसी यानी जो चर्म रोग होता है। तो अगर कोई लेपर है, लेप्रोसी की जो बीमारी हो गई थी, लेप्रोसी का जो पेशेंट है, अगर उनकी अप टू 69 ईयर्स है एज, तो उनको 1100 मिलेगी, 1000 मिलेगे। अगर 70 से अबव है तो फिर 1700 मिलेगा। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न देख लो, अगर 70 से अबव है तो 1700 दिया जा रहा है अलग अलग स्कीम्स के अंडर, और अगर फीमेल है एज ग्रुप सेम 65 to 69 उनको भी 1150 देखने को मिल रहा है। तो अब आप देखो मिनिमम 1000 है 60 से, उसके बाद फिर 65 से 70 जो महिला है उनके लिए 1150 है, और फिर 70 से वो आपको 1700 देखने को मिलेगा। तो यही वो पैटर्न है जिसकी मैं आप लोगों के बारे में बात कर रहा था। अगला है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो हमारे लोग होते हैं उनके लिए भी पेंशन निर्धारित करी गई है। जैसे अगर कोई ट्रांसजेंडर अप टू 69 ईयर्स ओल्ड है तो 1000 मिलेगी, और अगर 79 से ऊपर है तो 1700। सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगा, पैटर्न अब आपको क्लियरली विजिबल हो गया है। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, तो इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन दी जाती है आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंदिरा गांधी जी का जिक्र होगा वहाँ पे बीपीएल हाउस होल्ड से रिलेटेड कोई ना कोई स्कीम होगी। तो अभी के टाइम पे देखिए, अगर 60 to 69 ईयर्स ओल्ड के बीपीएल हाउस होल्ड है तो उनको 1000 दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए आप इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, यानी वृद्धा अवस्था में दी जाएगी, उसका नाम इंदिरा गांधी रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो बीपीएल हाउस होल्ड है, जो बीपीएल परिवार है उनको दिया जाएगा, ठीक।
ठीक है। तो 60 से 69 ईयर्स ओल्ड तक बीपीएल हाउस होल्ड को 1000 और 70 से अबव बीपीएल हाउस होल्ड है उनको 1700 और सेम फीमेल 65 टू 69 है उनको 1150। ओके, नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन। नाम में ही सब कुछ छुपा है दोस्तों, इंदिरा गांधी यानी आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए बीपीएल से संबंधित होगा। विडो पेंशन यानी विडो महिला के लिए पेंशन दी जाएगी, और विडो महिला कौन सी, जो कि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती होगी। तो अगर महिला की उम्र 40 to 69 ईयर्स ओल्ड है तो उसको 1150 रुपीज पेंशन दी जाएगी पर मंथ। एंड इफ हर एज इज मोर देन 70 ईयर्स शी विल बी गिवन पेंशन ऑफ 1700। सेम पैटर्न आपको जो हर जगह देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी है। नेक्स्ट स्कीम इज इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली डिसेबल्ड पेंशन। यानी अब इंदिरा गांधी यानी अगर बीपीएल फैमिली का कोई स्पेशली डिसेबल्ड यानी दिव्यांग जन है जिसको कि 80% से अबव डिसेबिलिटी है, बीपीएल फैमिली का दिव्यांग जन विद डिसेबिलिटी मोर देन 80%, तो ही और शी विल बी गिवन पेंशन ऑफ 1700 पर मंथ। ओके, नेक्स्ट नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, तो ये स्कीम चलाई गई है बीपीएल हाउस होल्ड के लिए। अगर बीपीएल हाउस होल्ड का जो प्राइमरी ब्रेड विनर व्यक्ति है, जो कि पूरे परिवार के लिए एक रोटी कमा रहा है, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है 18 साल से 59 साल के बीच में, तो उसको सरकार देती है इस स्कीम के अंडर 20,000। ये है हमारी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। नेक्स्ट स्कीम इज इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। दिस इज इम्पोर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो अभी हिमाचल में है अंडर द लीडरशिप ऑफ सुखविंदर सिंह सिक्खू जी, उनका एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉमिस था महिलाओं के लिए कि उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो इसी स्कीम की, हालांकि अभी इसको ज़्यादा लेवल पर आपका लागू कर दिया गया था, बट बिकॉज ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसके ऊपर होल्ड लगा है। बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना अंडर दिस स्कीम 1500 पर मंथ दिए जाएंगे हर महिला को जो कि 18 साल से ऊपर की एज की है। ठीक है जी, ऑल दी वुमेन मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड आर गिवन दिस स्कीम। ठीक है जी, और इस स्कीम को अभी शुरू करा गया है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति। ओके, तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दिस इज द ओनली न्यू स्कीम और दिस इज द वन ऑफ द फ्यू न्यू स्कीम विच इज लिस्टेड अंडर दिस इकोनॉमिक सर्वे। अगली है, अब जैसे आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसके तहत एक इंडिविजुअल को कैपेबल बनाया जाएगा कि वो सेल्फ अपने आप को खुद ही एम्प्लॉय करे, तो अलग अलग बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई गई है अलग अलग कॉरपोरेशन के द्वारा। फॉर एग्जांपल HPSC ST ट्राइबल कॉरपोरेशन है, HP बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, या फिर HP माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इन सभी ने अलग अलग स्कीम्स चलाई गई है ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बने। फॉर एग्जांपल हस्तशिल्प विकास योजना, दलित वर्ग व्यवसायिक योजना, हिम स्वावलंबन योजना, ये अलग अलग स्कीम्स हैं। ओके, अब चलते हैं SC डेवलपमेंट प्लान। SC डेवलपमेंट प्लान यानी आप ऐसे समझो कि एक ओवर जो बजट है, बजट के अंदर अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, उनमें से एक एक्सपेंडिचर होता है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी टोटल बजट में से कितना पैसा डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। तो
इसमें अगर इस एलिमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि एससी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कितना अमाउंट खर्च किया है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गवर्नमेंट हैज स्पेंड 25.19% ऑफ टोटल डेवलपमेंट प्लान एलोकेशन, पूरे बजट की नहीं, पूरे बजट में से जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था उस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का जो 25% है, और 25% कितना है, 2,399.05 करोड़, ये पैसा एलोकेट करा गया है एससी डेवलपमेंट फंड के लिए। ओके, इसके लिए एडिशनल आउटले भी 879 करोड़ दिया गया है सेंट्रल डेवलपमेंट बजट से। तो आपको ये फिगर याद रखना है और ये फिगर आपको याद रखना है। सेम उसी तरीके से जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है उनके लिए भी जो बजट टोटल डेवलपमेंट बजट है उसमें से जो 857 करोड़ है वो एलोकेट किया गया है दिस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, अब स्कीम देखते हैं, स्कीम्स फॉर दी वेलफेयर ऑफ एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज। ओके, सबसे पहले अवार्ड फॉर इंटर कास्ट मैरिज, अगर कोई अंतर जातीय इंटर कास्ट मैरिज करता है तो सरकार इस चीज़ को प्रमोट करती है। ठीक है जी, तो प्रमोट कैसे करती है, उनको एक प्रोत्साहन राशि देकर जो कि कितनी है 50,000। तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें पूछी जाती है वन लाइनर में, जैसे आजकल फॉर्मेट हो गया है कमीशन का एग्जाम पूछने का, 3 से 4 स्टेटमेंट दी जाती है, तो सीधा यहाँ से स्टेटमेंट उठाएंगे और यहाँ पे ही थोड़ा सा या तो 50 की जगह 60 कर देंगे। तो आपको एग्जैक्ट रखना है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम अभी सामने हमारे सामने डॉक्यूमेंट है और हम एक एग्जैक्ट फिगर को देख रहे हैं तो हमें लगता है ये आसान फिगर है, बट जब वहाँ पे ऑप्शन में 50 के साथ 55 आ जाएगा तो वहाँ पे आप अगर थोड़ा सा रिवाइज नहीं है तो पक्का वहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्कीम इज स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। तो दोस्तों अगेन मैंने कहा नाम में ही सब कुछ छुपा है, और नाम में क्या छुपा है, आश्रय योजना। आश्रय यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना आश्रय नहीं है, अपना घर नहीं है, तो उन लोगों को सरकार घर देगी। सरकार घर कैसे देगी, सरकार एक सब्सिडी देगी, पैसा देगी उस आदमी को घर बनाने के लिए। तो सरकार किस किस को पैसा देगी और कितना पैसा देगी, तो पर फैमिली को 1.5 लाख दिया जाएगा हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, बट हर फैमिली को ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसटी एससी ओबीसी पॉपुलेशन को दिया जाएगा, और वो भी किस एससी एसटी ओबीसी पॉपुलेशन को, जिनकी एनुअल इनकम, साल की इनकम है लेस देन 50,000। ये ध्यान रखना है, ये वाला क्राइटेरिया जैसे पहले 2 साल पहले 35,000 होता था, अब इसको रिवाइज करके 50,000 किया गया है। तो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि आज के जहाँ पे कंप्यूटर युग है हमारा, 4G 5G 4G अब पुराना हो गया है, AI जैसी चीज़ें आ गई है, तो सरकार भी इस इन सभी चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझती है, इसलिए सरकार ने कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए एक अलग से स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत सरकार एनकरेज करती है कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले तो सरकार ट्रेनिंग के लिए पैसा देती है कि आप ट्रेनिंग करिए, उसके बाद ट्रेनिंग के टाइम पे फिर आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। ओके, स्टाइफंड भी मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम पे, और उसके बाद फिर प्लेसमेंट भी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सीखने के लिए। तो देखते हैं इस स्कीम को किन किन लोगों को, ये बेनिफिशियरी कौन है इस स्कीम के, एससी एसटी ओबीसी बीपीएल माइनॉरिटीज स्पेशली एबल्ड सिंगल वुमेन और बीडो। इतना ही नहीं, ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे लोग जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख है, ये सारे के सारे आपकी बेनिफिशियरी है इस स्कीम की, ये अवेल कर सकते हैं ये वाली स्कीम। अब इसके तहत सरकार
दो तरह से डिवाइड किया गया है सारी की सारी बेनिफिशरी। एक तरफ है ये सारे के सारे लोग एससी एसटी ओबीसी बीपीएल माइनॉरिटी सिंगल वुमेन विडो वगैरह, और एक तरफ है आपकी स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन। ठीक है जी, स्पेशली एबल्ड यानी डिसेबल, जो पर्सन विद फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो वाली पॉपुलेशन, इनके लिए अलग से अमाउंट है और इन लोगों के लिए अलग से अमाउंट है। सबसे पहले ट्रेनिंग, उसके बाद फिर स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और प्लेसमेंट भी होगी। तो ट्रेनिंग के लिए जो ये लोग हैं इनको 1350 पर मंथ दिया जाएगा, और जो स्पेशली एबल्ड है उनको 1500 पर मंथ दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। सेकंड, इनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जो ये वाले लोग हैं इनको 1000 पर मंथ, और जो आपके स्पेशली एबल्ड है उनको 1200 पर मंथ दिया जाएगा। इसके बाद 6 मंथ की प्लेसमेंट भी दी जाएगी, ताकि इंडस्ट्रीज में जाके देखें कैसा माहौल होता है, आगे कैसी चीज़ें रहेगी इंडस्ट्रीज, और जो फ्यूचर आपका जहाँ पे होने वाला है उस चीज़ में। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट के दौरान 6 महीने के लिए पर मंथ दिए जाएंगे 1500 इन लोगों के लिए, और 1800 दिए जाएंगे स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन के लिए। ओके, ये थी हमारी ये वाली स्कीम। अब आगे वाली स्कीम पे बढ़ते हैं। अगली स्कीम है हमारी फॉलो अप प्रोग्राम। तो ऐसे एससी और ओबीसी पॉपुलेशन, ऐसी एससी और ओबीसी पॉपुलेशन जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है, उन लोगों को 1300 दिए जाएंगे परचेज करने के लिए, टूल्स परचेज करने के लिए। कैसे टूल्स? कारपेंट्री है, बीबिंग है, लेदर वर्क है। अगर इन सभी चीज़ों को, टूल्स को उन्होंने ख़रीदना है, तो फिर उनके लिए एक आप ऐसे समझो सीड मनी के टाइप का 1300 रुपये दिया जाएगा टॉप अप, वन टाइम टॉप अप। अगर किसी को स्विंग मशीन ख़रीदनी है तो उनके लिए दी जाएगी 1800 रुपये, ताकि वो उससे ख़रीद के अपना अच्छे से जो जो भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है वो बन सके। तो आपको ध्यान रखना है कि बेनिफिशियरी कौन है, सिर्फ और सिर्फ एससी एंड ओबीसी। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ एट्रोसिटी ऑन एससी एसटी प्रिवेंशन। ओके, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटी। आप सब जानते हैं एट्रोसिटी यानी आपका जो एक एक्ट है एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट 1989, इस एक्ट के अंडर अगर किसी एससी या एसटी पॉपुलेशन के साथ में इसके अंडर कुछ एक एट्रोसिटी हुई है, तो फिर उस केस में उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट में ये एट्रोसिटी हुई है उनको कंपनसेशन देगी सरकार। ठीक है जी, कितना कंपनसेशन देगी तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एट्रोसिटी के ऊपर। इट स्टार्ट फ्रॉम 85,000 टू 8,25,000। आप सब जानते हैं कि दिस इज दी वन ऑफ दी वेरी स्ट्रिंजेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1984, नॉन बेलेबल एक्ट है ये, अगर आप देखते होगे। ठीक है जी, ओके, तो ये आपको अमाउंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू सिविल सर्विसेज कोचिंग, यानी अगर जैसे आप सब हम सब जो तैयारी कर रहे हैं उनका अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, तो उनको एक बार के लिए 30,000 गवर्नमेंट के द्वारा एक मनी प्रोवाइड करी जाएगी, सीड टाइम वन टाइम का टॉप अप प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है जी, कब? एचएस नहीं, जब यूपीएससी का प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई हो जाए उस केस में। कितना अमाउंट है? 30,000 है, और बहुत साल से 30,000 ही है, न जाने क्यों इसको बढ़ा नहीं रहे है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूजेस। तो ड्रग एब्यूजेस इसको रोकने के लिए कुछ एक कदम उठा रही है सरकार। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले भी पूछा गया है यहाँ से सवाल कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, कहाँ की मिनिस्ट्री? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने एनजीओज के साथ कोलेबरेट करके 3 इंटेग्रेटेड रिहैब सेंटर फॉर एडिक्ट्स बनाए हैं। ठीक है जी,
सेकंड, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आई, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही कुछ रिहैब सेंटर, दो रिहैब सेंटर बनाए हैं इन कोलेबोरेशन विद एनजीओज, और फिर एनजीओज को कुछ एक ग्रांट इन एड दी जाती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है टू रिड्यूस द मेनेस ऑफ ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूजेज इन द स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज ग्रांट फॉर द अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कुछ एक और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सोशल फील्ड में अच्छा काम कर रही है, उनको भी ग्रांट दी जाती है, जैसे ओल्ड एज होम्स होते हैं, वृद्धा आश्रम होते हैं, डे केयर सेंटर्स होते हैं जो कि बच्चों की देखभाल करते हैं, जैसे डे केयर्स के तरीके से, या फिर कुछ एक सात वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र है, ये सारे के सारे स्टेट में एस्टेब्लिश करे गए हैं एनजीओस के द्वारा, और सरकार उन एनजीओस को कुछ एक ग्रांट इन एड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, अब स्कीम्स हम देखते हैं, सारे के सारे स्कीम्स, स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ स्पेशली डिसेबल्ड, जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम्स चलाई गई है। तो मैं आपको कह रहा था कि मेंस के लिए हम कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, आप समझिए कि हमें मेंस में पॉलिसीज गवर्नमेंट इनिशिएटिव मेंशन करने होते हैं, तो कोई भी अगर वीकर सेक्शन, फॉर एग्जांपल वुमेन से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो आपको यहाँ वाली स्कीम्स वहाँ पे डालनी चाहिए, यहाँ वाला डाटा इकोनॉमिक सर्वे वाला डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहीं की हम बात कर देते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि लिस्ट डाउन दी इनिशिएटिव टेकन बाई दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर दी स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन, तो ये जितनी की सारी स्कीम्स हैं आप वहाँ पे लेटेस्ट वहाँ पे ऐड कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, ये ऑथेंटिक है क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे की हमारी स्कीम्स है। तो स्कॉलरशिप दी जाती है दिव्यांगजन के लिए, जो डिसेबल पर्सन है उनको दिव्यांगजन बोला जाता है, उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है जी, जैसे अगर 40% से ऊपर डिसेबिलिटी वाले पर्सन है तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 625 से लेकर 3750 पर मंथ फॉर डे स्कॉलर्स, यानी ठीक है जी। और दूसरा जो वोल्डर्स होते हैं जो कि वहीं पे रहते हैं आपका, उनको दी जाएगी 1875 से लेकर 5000 पर मंथ, आपकी दिव्यांगजन को पेंशन दी जाएगी, सॉरी स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट इज मैरिज ग्रांट टू द इंडिविजुअल मैरिंग विद दिव्यांगजन। अगर कोई आदमी दिव्यांगजन के साथ में शादी कर रहा है तो इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए सरकार उस आदमी को एक प्रोत्साहन राशि देते हैं। अगर उस आदमी ने शादी करी है ऐसे दिव्यांगजन से जिसकी डिसेबिलिटी 40 से 74% है, उसको दिया जाएगा 25,000 वन टाइम टॉपअप मनी। अगर वो शादी कर रहा है 75 से ऊपर के डिसेबिलिटी पर पार्टनर के साथ, तो उसको दिया जाएगा 50,000। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है जी, एक केस में 25,000, दूसरे केस में 50,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसे चिल्ड्रन जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है उनके लिए सरकार ने इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, और हिमाचल में ऐसे 3 इंस्टीट्यूशन खोले हैं। कहाँ कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ढली जो आपका शिमला में है वहाँ पे है, किसके लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट दाढ़ी धर्मशाला में, वहाँ पे सेकंड, थर्ड है आपका सुंदरनगर में। ठीक है जी, ओके, अब यहाँ पे जो भी ये हमारे स्पेशल नीड्स के लिए बच्चे हैं, जैसे आपके जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उनको हम ये चीज़ कहेंगे, और उनको यहाँ पे आपका वहाँ पे ये रहते भी है, वहाँ पे एजुकेट भी किया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट रिहैब सेंटर्स। तो डिस्ट्रिक्ट रिहैब सेंटर, रिहैब यानी रिहैब पर्पज़ के लिए बनाया गया है, 2 डिस्ट्रिक्ट रिहैब सेंटर बनाए गए हैं हमीरपुर और धर्मशाला में। ओके, नेक्स्ट इज रिहैब ऑफ मेंटली इल क्योर्ड पर्सन। तो मेंटली इल क्योर्ड पर्सन है उनके लिए भी 2 हाफ वे होम बनाए गए हैं, उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं लगता। नेक्स्ट इज यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स।
यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है, इंस्ट्रक्शन है। इसके तहत जैसे हमारे आधार कार्ड है जो कि हमारा एक हमारा रेजिडेंट का प्रूफ है आधार कार्ड, उसी तरह से जितने भी स्पेशली एबल्ड पर्सन है फिजिकल डिसेबिलिटी वाले, उनको अभी तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है कि जिसके 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, अब क्या होगा, अब उनके आईडी कार्ड्स बनेंगे। क्योंकि अगर एक बार आईडी कार्ड बन गए तो एक डाटाबेस होगा पूरे गवर्नमेंट के लिए, और फिर गवर्नमेंट उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स को आसानी से उन तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस ही संदर्भ में गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है 40% से अबव, उनको अपने जो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड है वो बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसका एक बेनिफिट होगा हिमाचल के अंदर कि जिस व्यक्ति के पास ये वाला यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है उसको एचआरटीसी की बसेज में हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर फ्री में ट्रेवलिंग सेवा दी जाएगी, वो फ्री में ट्रेवल कर सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ विद इन हिमाचल, हिमाचल के बाहर नहीं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एचआरटीसी के बसेज में। ठीक है जी, अब जैसे फेस्टिवल ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे 500 सभी रेजिडेंट को दी जाती है जो कि स्पेशल होम्स और ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, उनको 500 स्पेशल फेस्टिवल ग्रांट दी जाती है। जैसे दिवाली हुआ तो दिवाली के मौके पर दी जाएगी, होली के मौके पर होली, ताकि वो अपना फेस्टिवल अच्छे से मना सके, और उनको भी एक एक गवर्नमेंट उनके लिए एक पेरेंट्स की तरह एक्ट करती है। ठीक है जी, अब इसके बाद इंस्टीट्यूशन को भी दी जाती है, ये तो दी जाती है बच्चों के लिए जो वहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन को भी दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर उस इंस्टीट्यूशन में अप टू 25 बच्चे हैं जो रह रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूशन को 5000 दी जाएगी, और अगर 25 से ज़्यादा रह रहे हैं तो उसको 10000 दी जाएगी। ओके, ये थी हमारी स्कीम्स रिलेटेड टू दी फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी, और यू कैन से स्पेशली एबल्ड पर्सन। अब देखते हैं स्कीम रिलेटेड टू दी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, सरकार बच्चों के लिए वुमेन के लिए क्या कर रही है वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कब, इन 2011 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और अब जितनी भी वोमेन और वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स है, दिस डिपार्टमेंट विल ओवरसी ऑल दीज स्कीम्स, तो आपको ध्यान रखना है कब एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम, कहाँ पे है ये स्टेट होम, है मशोबरा में, आपको मशोबरा बिल्कुल शिमला के साथ में है, वहाँ पे ये स्टेट होम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, उनको यहाँ पे आप शेल्टर दिया जाता है, फ्री में शेल्टर, फ्री में वहाँ पे रहेंगे, फूड मिलेगा फ्री में, क्लोथिंग मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी वहाँ पे, और हेल्थ केयर, मेडिकेशन, काउंसलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी लोग इस स्टेट होम मशोबरा में रह रहे हैं, चाहे आपकी कोई यंग गर्ल हो जो कि वल्नरेबल हो, विडोज हो, आपकी डेजर्टेड महिला हो, डेजर्टेड इंडिविजुअल्स हो, या फिर ऐसा जिसको कि इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है अपने एंड पर, या फिर ऐसी महिला हु इज़ फेसिंग मोरल रिस्क, तो ये सारे लोग कहाँ पे रह सकते हैं, स्टेट होम फॉर वुमेन एट मशोबरा। अब वहाँ पे इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें होगी। इतना ही नहीं, जब ये लोग वहाँ को उस स्टेट होम को छोड़ देंगे तो उस समय उनके लिए एक फाइनेंशियल एड, ताकि ये लोग वहाँ से बाहर निकलने के बाद अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, इसलिए सरकार उनको 25,000 एक फाइनेंशियल एड देती है उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर जब वो महिलाएं शादी करेगी तो उस समय पे भी उनको एक मैरिज ग्रांट दी जाएगी सरकार की ओर से 51,000। ओके, नेक्स्ट इज
वन स्टॉप सेंटर। तो वन स्टॉप स्टेम सेंटर हर एक पूरे ऑल इंडिया में वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी महिला, कोई भी, ये एक सबसे पहले तो ध्यान रखना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कोई भी स्कीम होती है, एक या तो होती है वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रली सेक्टर स्कीम यानी दोज स्कीम विच आर 100% फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर जो फंडिंग रहती है वो 60:40 रहती है, 60 सेंटर गवर्नमेंट देती है और जो 40 है वो स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है। बट हिमाचल को क्योंकि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है, हिमाचल के केस में ये प्रोपोर्शन 90-10 है, 90 दे रहा है यूनियन गवर्नमेंट और 10 दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी महिला को इमीडिएट मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए इमरजेंसी के केस में या फिर नॉन इमरजेंसी के केस में, तो वो इस वन स्टॉप सेंटर में जा सकती है और वहाँ पे फिर उसकी जो समस्या है उसका फिर हल करा जाएगा। नेक्स्ट इज सक्षम गुड़िया बोर्ड। तो सक्षम गुड़िया बोर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स एंड गर्ल्स चाइल्ड और एडोलसेंस गर्ल है, उनके एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने जितनी भी पॉलिसीज चलाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उन पॉलिसी को रिव्यू करना, व्हाट गुड वी कैन डू, ओके। सेकेंडली उनके रिगार्डिंग में रिकमेंडेशन देना कि कैसे और अच्छी स्कीम्स लाई जा सकती है। तो वो सारा का सारी चीज़ें कहाँ पे करी जा सकती है, सक्षम गुड़िया बोर्ड में। तो आप यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कोई भी देश का नागरिक, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अब हम कुछ एक और स्कीम्स देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन चाइल्ड और गर्ल्स के रिलेटेड चलाई गई है। फर्स्ट इज फॉर एग्जांपल मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल गवर्नमेंट की वन ऑफ दी फ्लैगशिप स्कीम है अभी की जो करंट गवर्नमेंट है। इसके तहत अब इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ाया गया है अगर आप लास्ट ईयर के कंपेयर में देखोगे तो। कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करी जाएगी किस किस को, ऑर्फन है जो अनाथ है, सेमी ऑर्फन है, स्पेशली एबल्ड अदर चाइल्ड या फिर एकल नारी है, डेस्टिट्यूट नारी है, इन सभी की स्पेशल केयर और नीड रखी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट उनको सेल्फ रिलायंट बनाएगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगी। तो इसी चीज़ के लिए ये वाली स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई है। इस स्कीम के अंदर एक कोष स्थापित किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, और इस कोष के अंदर ये वॉलंटरी है, आप भी पैसे डाल सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल इसके अंदर पैसे डाल सकते हैं और वो पैसा कहाँ पे जाएगा, इस सेक्शन की वेलफेयर के लिए, ठीक है जी। CSR के थ्रू भी इसमें जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोग भी अगर CSR के अंडर यहाँ पे पैसा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम इज मिशन वात्सल्य स्कीम। मिशन वात्सल्य स्कीम एक चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ठीक है जी। और आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेट में 2012 से चलाई गई है। इस स्कीम को रिवाइज करा गया था 2022 में और अब इसका नाम रखा गया है मिशन वात्सल्य स्कीम। तो ध्यान देने वाली सिर्फ इतनी बात है कि जब 2012 में स्कीम चलाई गई थी उस समय इसका नाम था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, बट इसको जब रिवाइज करा गया 2022 में, एक अप्रैल 2022 में, तब सेम स्कीम का नाम बदल कर रखा गया मिशन वात्सल्य स्कीम, ठीक है जी। इसके अंडर इंस्टीट्यूशनल केयर दी जाती है टू दी चाइल्ड इन नीड, ओके। और जो चिल्ड्रन है उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी दी जाती है, ठीक है जी। और कहाँ पे जो 46 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर है हिमाचल में अंडर जुबेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2014,
15 उनको वहाँ पे इनको रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये हुई हमारी मिशन वात्सल्य स्कीम। नेक्स्ट स्कीम इज बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम। फॉस्टर केयर यानी फॉस्टर केयर उनको कहा जाता है जहाँ पे कि जो ओरिजिनल बच्चे हैं उनके ओरिजिनल पेरेंट्स नहीं है, उनको किसी ने या तो एडॉप्ट किया है किसी और ने, तो जो पेरेंट्स उन बच्चों की रखवाली कर रहे हैं उन पेरेंट्स को फॉस्टर पेरेंट कहा जाएगा। तो इस स्कीम के अंडर 4,000 दिया जाएगा पर मंथ इन द फेवर ऑफ फॉस्टर पेरेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड। जिस बच्चे को एडॉप्ट किया है उस बच्चे की मेंटेनेंस के लिए जिस पेरेंट ने एडॉप्ट किया है उसको 4,000 पर मंथ दिया जाता है, ठीक है जी। और 500 एडिशनल जो स्टेट की ओर से असिस्टेंट भी मिलती है बाद में, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज रिहैब सपोर्ट टू द माइनर ऑफ विक्टिम ऑफ रेप चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ बैकग्राउंड। यानी अगर कोई भी माइनर होती है आपकी 18 साल से कम उम्र की बच्ची अगर रेप या फिर चाइल्ड अब्यूज उसने फेस किया है तो उसकी रिहैब के लिए सरकार ने पॉलिसी चलाई है। तो उसकी रिहैब के लिए सबसे पहले जब तो कंफर्म होगा कि उसके साथ क्राइम हुआ है तो उसको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 7,500 पर मंथ की, ठीक है जी। जब तक वो 21 ईयर्स ओल्ड की नहीं हो जाती तब तक उसको 7,500 पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है। इस जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिग्निटी वापस दिलाना जो माइनर है विक्टिम की, अलग अलग तरीके से जैसे काउंसलिंग के द्वारा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के द्वारा, स्किल अप ग्रेडेशन के द्वारा, या फिर जो अलग अलग लाइवलीहुड सपोर्ट है उन चीज़ों के द्वारा। नेक्स्ट इज आंगनबाड़ी सर्विस। आप सब जानते हैं आंगनबाड़ी सर्विसेज हर एक गांव में प्रोवाइड करी जाती है। इसके तहत जो आपका बच्चा होता है 6 महीने से 6 साल तक का बच्चा, उस बच्चे को अलग अलग न्यूट्रिशंस के लिए अलग अलग फूड आइटम्स दी जाती है, इम्यूनाइजेशन होती है, हेल्थ जो आपका एजुकेशन है वो भी होती है, और जो बाकी हमारी लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर यानी दोज मदर हु आर फीडिंग मिल्क टू देयर चाइल्ड, उनको भी यहाँ पे उनकी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड बाल पोषाहार टॉपअप योजना। नाम में ही सब कुछ छुपा है दोस्तों, बाल पोषाहार योजना यानी जो बालक होगा पोषाहार उसकी जो न्यूट्रल, अगर उसको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो उस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उसको सप्लीमेंट न्यूट्रिशन डाइट दी जाएगी, ठीक है जी। तो वही ये स्कीम बात करती है कि जैसे 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक जो चाइल्ड है उसको भी दी जाएगी न्यूट्रिशंस, और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है जी, या फिर सेवियरली माल नरिश्ड चिल्ड्रन है उन सभी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करी जाएगी। और किसके द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी को कहा जाता है आपका पोषाहार योजना, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज स्कीम फॉर दी एडोलेसेंट गर्ल। जो एडोलेसेंट गर्ल होती है, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल होती है आपकी, उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है। ओके, सबसे पहले एडोलेसेंट गर्ल 6 to 14 ईयर्स तक की जो गर्ल है उनके लिए स्कीम चलाई गई है, अलग अलग तरीके से उनको असिस्टेंट दिया जाता है। नेक्स्ट स्कीम इज मुख्यमंत्री शगुन योजना। तो शगुन कब दिया जाता है? शगुन शादी में दिया जाता है। तो ये किसकी शादी में देगी सरकार? हर किसी को तो पैसा नहीं बांट सकती, बट जो बीपीएल फैमिली है, तो बीपीएल फैमिली में अगर कोई गर्ल मैरिज कर रही है तो उस गर्ल को सरकार शगुन देगी, मैरिज ग्रांट देगी। कितने का? 31,000 का, 31,000 का। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना।
तो कन्यादान भी कब होगा, यानी शादी होगी। तो सरकार क्या करता है, करती है कि मैरिज ग्रांट देती है 51,000 का। किसको? जो गार्डियन होते हैं डेस्टिट्यूट गर्ल के। तो डेस्टिट्यूट गर्ल, उसके गार्जियन, डेस्टिट्यूट गर्ल यानी बेसहारा, जिसको कि छोड़ा गया हो उसके परिवार के द्वारा, जिसका कोई आगे पीछे देखभाल करने वाला नहीं है, तो जो उसके देखभाल कर रहे हैं गार्जियन, उन गार्जियन को जब उस गर्ल की शादी होगी तो 51,000 का एक मैरिज ग्रांट दिया जाता है उसकी शादी के लिए। प्रोवाइडेड एक कंडीशन है कि अगर उसकी जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 50,000 है तभी दिया जाएगा, नॉट अदरवाइज। ओके, किस किस को? जैसे डाइवोर्स वोमेन है उनको भी दी जाएगी, उनको भी। दूसरा, डाइवोर्स वोमेन फिर से शादी कर रही है, या फिर डाइवोर्स वोमेन की अगर डॉटर से शादी कर रही है, ऑर्फन गर्ल, अगर ऑर्फन गर्ल है जो वो शादी कर रही है, तो उन सभी को भी ये 51,000 का एक सरकार के द्वारा मैरिज ग्रांट दी जाती है, कंडीशन ओनली कि उनकी 50,000 से कम इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्पावरमेंट असिस्टेंट फॉर वोमेन, ठीक है, सरकार के द्वारा 5,000 प्रोवाइडेड टू दी वोमेन जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है, ताकि महिलाएं अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बना सके। नेक्स्ट स्कीम इज बीडो रीमैरिज। तो बीडो रीमैरिज, अगर जो बीडो है, इस स्कीम के अंडर बीडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए सरकार 2,000 का एक सीड मनी देती है कपल को, सॉरी 2,00,000 का, 2,00,000 सीड मनी इज गिवन टू दी कपल। ओके, जब जो कि आपका बीडो के साथ रीमैरिज शादी कर रहा है दोबारा विधवा के साथ। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, तो इसके तहत असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 6,000 दिया जाता है पर चाइल्ड पर एनम। साल में हर चाइल्ड के, एक चाइल्ड के पीछे 6,000 दिया जाता है, और ऐसे दो चाइल्ड को दिया जाएगा। किसके लिए? डेस्टिट्यूट वोमेन है, डाइवोर्स वोमेन है, डेजर्टेड वोमेन है, ओके, या फिर ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड मिसिंग है 2 साल से, तो उनकी अलाउंस के लिए, जब तक ये सारे के सारे, इनकी अलाउंस के लिए, उनके बच्चे की अलाउंस के लिए 18 साल तक जब उनका बच्चा नहीं होता तब तक उसके अलाउंस के लिए 6,000 मनी दी जाती है इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट इज विशेष महिला उत्थान स्कीम। विशेष महिला उत्थान स्कीम यानी इसके तहत वोमेन को रिहेबिलिटेशन करी जाएगी। किन वोमेन की? ऐसी महिलाएं जो कि फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज्ड है, जिन महिलाओं को फिजिकली और सेक्सुअली तरीके से अब्यूज्ड हुई है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, और इस तरीके से उनका विशेष उत्थान किया जाएगा। इसमें उनको स्टाइफंड भी दिया जाएगा 3,000 का पर मंथ का, ओके, और पर ट्रेनी, जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी 800 उनको पर ट्रेनी वहाँ पे भी अमाउंट मिलेगा, ओके। हालांकि ये सारी की सारी पुरानी स्कीम्स है, 2-3 साल से जो स्कीम्स रिपीट हो रही है। नेक्स्ट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी सबसे पहले तो बेटी को बचाओ, यानी जो सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, भ्रूण हत्या करी जाती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसको रोकना है, और उसके बाद बच्ची को फिर पढ़ाना है, ओके। नेक्स्ट इज बेटी है अनमोल। तो बेटी है अनमोल यानी जो भी बेटी बीपीएल फैमिली से, बीपीएल ऐसी बेटी जो कि बीपीएल फैमिली में पैदा हो रही है, तो उस फैमिली में 2 गर्ल्स चाइल्ड को 21,000 प्रोवाइड किया जाएगा 1-time grant जब जन्म होगा, और उसके बाद एनुअल स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, अलग अलग डिपेंड करेगा, 400 से 5,000 तक एनुअल स्कॉलरशिप दी जाएगी फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन लेवल तक, और उसके बाद जो पोस्ट वर्थ ग्रांट है वो भी आपकी दी जाएगी अलग से, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा 2000 भी है, 21,000 भी और 12,000 भी, क्योंकि ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में सेम डाटा है, ओके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गवर्नमेंट प्रमोट करती है इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी, तो इसके लिए फिर पैसा दिया जाता है। जैसे फर्स्ट चाइल्ड के केस में 5,000 दिया जाता है 2 इंस्टॉलमेंट में, और सेकंड चाइल्ड, अगर वो सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है तो उस केस में 6,000 दिया जाता है। नेक्स्ट इज सशक्त महिला योजना। सशक्त महिला योजना यानी महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है। तो ऐसी महिलाएं जो कि 11 से 45 साल की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं, रूरल महिलाएं हैं, उनको एम्पावर किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत अपने कुछ एक सेल्फ रिलियंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो चलाएं। इसके लिए सरकार 1x35,000 सीड मनी देगी हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके तहत क्या होगा, इसके तहत हर एक महिला को नहीं, जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है हर एक ब्लॉक में, उनको ये 35,000 की सीड मनी दी जाएगी ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे तरीके से उनके जो फंक्शंस है सेल्फ हेल्प ग्रुप के उनको आगे चला सके। तो आपको जितना भी आपने अभी तक स्कीम्स देखी है, अब कोई भी मेंस में क्वेश्चन आएगा वुमेन से संबंधित, वहाँ पे आपने ये वाली स्कीम्स डाल देनी है लेटेस्ट। चाइल्ड आपका स्पेशली एबल्ड से संबंधित आएगा, ये डालनी है। ओल्ड एज पर्सन से रिलेटेड आएगा, ये वाली स्कीम डालनी है। एससी एसटी से रिलेटेड आएगा तो कुछ एक यहाँ वाली स्कीम डालनी है। तो दिस वॉज ऑल इन दिस सोशल सेक्टर चैप्टर। बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चैप्टर है बट आपको करना ही होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।